करंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पहाड़पुर में एक 22 वर्षीय युवक को गोली लगने से मौत हो गई। इसकी सूचना पुलिस को मिली। इस पर हम सब लोग घटनास्थल पर तुरंत गए। घटनास्थल पर जाने पर यह पता चला कि सुदीप यादव सना प्रविंदर यादव, जो आरओ पहाड़पुर का रहने वाला है, वो अपनी माँ को लेकर के मार्केट गया था अपनी मोटरसाइकिल से। जब वो वापस आया, अपने घर के पास पहुंचा, तो इसके पड़ोस में एक हरिजन है, उसने रस्सी से अपनी बकरी बांध रखी थी जो चरने के लिए छोड़ रखी थी। जब मोटरसाइकिल उसकी आई तो बकरी भागी और उसकी रस्सी मोटरसाइकिल में फंस गई। इससे सुदीप यादव अपने पड़ोसी हरिजन से झगड़ा करने लगा। इस पर इसकी माँ, जिसका नाम इंद्रकला है, उसने इसे मना किया कि पड़ोसी से झगड़ा मत करो, क्योंकि वो जानवर है, वो भाग गया, उसे कुछ पता नहीं है। इस पर ये सुदीप है, ये अपनी माँ को ही मारने लगा। इसकी माँ ने बताया कि ये थोड़ा मेंटली परेशान रहता है और इसका मानसिक इलाज भी चल रहा है। तो इसने बहुत मारा उसे और उसको लगा कि ये कहीं मेरी जान न मार दे। अपनी माँ पर ही इसने कट्टा सटा दिया। इसकी माँ ने किसी तरह से छूट करके अपने मायके फोन लगाया। मायके से इसका छोटा भाई यानी इसका मामा और दो लड़के और साथ में आए पड़ोस के। उनमें से एक लड़का विवेक था। जब ये लोग गांव पहाड़पुर आए, तब उसने, जो उसके मामा के साथ एक लड़का आया था विवेक यादव, उस पर गोली चला दी और वो घायल हो गया। घर वाले तुरंत बिना पुलिस को सूचना दिए हुए घायल को लेकर के बनारस गए, जहां पर उसकी डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई, तब उसी गांव के प्रधान ने ही पुलिस को ये सूचना दी कि हमारे गांव में इस तरह से गोली लगने से युवक की मौत हो गई है। मौके का मुआयना मेरे द्वारा कर लिया गया है। मृतक की डेड बॉडी आ रही है और जो सुदीप है वो अभी फरार है। मुकदमे की एफआईआर लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है।